अब्बा कई दिनों से घर से कुछ कटे कटे से रहने लगे थे। मैं रोज की तरह आज भी नंगे पैरों पूरे घर के चक्कर काट रही थी। कभी दरवाजा देखती तो कभी घड़ी की सुइयां देखती। अब्बा अभी तक घर को नहीं लौटे। ये परेशानी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, क्योंकि अब्बा का मामूल था वो शाम 7 बजे घर आ जाते थे। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से इनके आने जाने के औकात बदल गए थे, जो मेरी समझ से बाहर था। आज रात के 11 बज गए थे, लेकिन अब्बा की कोई खैर खबर नहीं थी। अम्मा जब हयात थी तो मुझे इन चीजों की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन अम्मा के जाने के बाद से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर आ गई थी। मेरा नाम परीशे गुल है, मेरा ताल्लुक पठान खानदान से है और मैं सवाबी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 22 बरस है। हम लोग पहाड़ों में रहते हैं। हमारी सोच अब भी वही पुराने और रिवायतें थी। जब मैं 19 साल की हुई तो मेरी माँ ये दारे फानी से कूच कर गई। चूंकि मैं इकलौती थी इसलिए अकेली रह गई। हम पठान कम उम्र में ही आधी जिंदगी जी लेते हैं। हम पहाड़ों की तरह ही मजबूत आसाब के मालिक होते हैं। अम्मा के जाने के बाद खाला मुझे अपने साथ घर ले गई। अब्बा ने भी कोई एतराज न किया, लेकिन वहां जाकर मुझे अब्बा की बहुत याद आती थी। वो मुझसे हफ्ते में 2-4 बार मिलने आते, लेकिन मेरे पास बैठने के बजाय वो सीधा आदिल के कमरे में चले जाते। आदिल मेरी खाला का बड़ा बेटा था, इसकी उम्र 24 बरस थी। अब्बा से जब शिकवा करती कि आप मुझसे नहीं आदिल से मिलने आते हैं, तो वो मेरे सर पर एक चित लगाते कि नहीं पकड़ी, वैसे ही आदिल के शब रोज का पूछता हूँ। लेकिन मुझे इनकी बात पे यकीन ना आता, क्योंकि अब्बा के हाथ में आए रोज एक नए रंग का कालीन होता, जिसे वो आदिल के कमरे में ले जाते। लेकिन अंदर जाकर जब मैं देखती तो वो कालीन कहीं भी न होता। मेरे पूछने पे आदिल कहता, तुम परीशे पागल हो चुकी हो, कालीन भला खालू क्यों लाएंगे। मैं शर्मिंदा होकर वापस आ जाती। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। अब्बा आते ही कई घंटों आदिल के कमरे में गुजारते और कालीन गायब होता। एक रोज मगरिब के बाद जब अब्बा मुझसे मिलने आए तो इस वक्त आदिल घर पर नहीं था। खाला बाहर बरामदे में सब्जियां बना रही थी। अब्बा इनके पास ही बैठ गए तो खाला ने इनसे बात करना शुरू की कि इम्तियाज में चाहती हूँ कि मैं आदिल की बीवी जल्द से जल्द दे आऊं, और इसके लिए मैंने अपनी परीक्षा का इंतखाब किया है, तुम क्या कहते हो। अब्बा पहले कुछ लम्हे के लिए तो ठिठक गए, लेकिन फिर सोच कर अब्बा ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। मैं किचन में चाय बना रही थी। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे अभी पढ़ना था। BSc के इम्तिहान के बाद मुझे ISI में अप्लाई करना था, और आदिल को मैं हमेशा से अपने भाई का दर्जा देती थी। ऐसा कैसे हो सकता था, जैसे मैं हमेशा भाई कहती थी वही मेरा शौहर बन जाता। अब्बा कुछ देर बैठे रहे फिर उठकर चले गए। मैं पूरी रात ठीक तरह से सो न सकी। सुबह बजे के वक्त उठकर नमाज अदा की, कुरान की तिलावत की और बड़ी चादर उठकर छत पे चली गई। मुझे दूर से अब्बा आते दिखाई दिए। मैं इन्हें देखकर परेशान हो गई, क्योंकि अब्बा का इतनी सुहाना किसी अनहोनी का एहसास दे रहा था। मैं फौरन नीचे को लपकी और दरवाजा खोलकर अब्बा को देखने लगी। अब्बा ने आते ही मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे सामान पैक करने को कहा। मैं अब से इनके साथ घर रहूंगी। मैंने हल्की सी सर को जंपिश दी और कमरे में चली गई। बाहर से अब खाना की आवाजें आना शुरू हो गई थी। न जाने अब्बा और खाना में क्या तय पाया था। मुझे जाने जाने में किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैं अपना सामान लेकर बाहर आई, खाना से रुखसत चाही और अब्बा के साथ आ गई। खाना के घर मैंने 3 साल का अरसा गुजारा था। वहीं मैंने प्राइवेट चोरी छुप कर इम्तिहान वगैरह दिए और तैयारी करती रही। जब से घर लौटी थी दिल हमेशा परेशान रहता, क्योंकि अब्बा मुझे अपने कमरे में न जाने देते थे। अभी मैं मासी के झरों को नहीं खोई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने भाग कर दरवाजा खोला तो अब्बा अपने किसी दोस्त के साथ खड़े थे। मैं थोड़ा पीछे हट गई। अब्बा अपने दोस्त के हमला सीधे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद अब्बा बाहर आए तो अब्बा ने मुझे कलेजी का गोश्त भूनने को कहा। मैं जी कहकर किचन में चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे वसवसे घेर रहे थे। फिर आखिर अब्बा रोज अपने दोस्त को घर क्यों लाते हैं और आते ही कमरे में चले जाते हैं। फिर मुझे कुछ ना कुछ पकाने में लगा देते हैं। खाला का बेटा आदिल भी आ जाता। अब
हाफिज के साथ कालीन होता। वो बगैर कुछ कहे अब्बा के कमरे में चला जाता। मैं दिन ब दिन इस बात से परेशान रहने लगी कि यह आखिर माजरा क्या है, लेकिन ये गुत्थी मेरी समझ से बाहर थी। मैं इसे जितना सुलझाने की कोशिश करती इतनी ही उलझती जाती। वक्त पर लगा कर गुजर रहा था। एक रोज अब्बा ने मुझे कहा, बेटा मैं तुम्हारा निकाह अपने दोस्त के साथ करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से अश्क जारी हो गए, क्योंकि अब्बा के दोस्त की उम्र 50 साल के करीब थी। अब्बा इसे कैसे मुझे किसी के साथ भी ब्याह सकती है, इससे तो बेहतर आदिल ही था। कम से कम मेरा थोड़ा बहुत कम उम्र तो था। जब ये खबर खाला तक पहुंची तो खाला ने बहुत बवेला मचाया, लेकिन अब्बा के सर पर तो जैसे जू तक मरेंगी। अब्बा ने रमजान के आखिरी जुम्मे को मेरा निकाह अपने दोस्त गुलखान के साथ करवा दिया और मैं रोते हुए अब्बा के घर से आ गई। गुलखान एक अमीर आदमी था। इसके पहले ही 2 शादियां हो चुकी थी, जिसमें से एक को उसने तलाक दी थी, जबकि दूसरी बीवी साथ रहती थी। पहली बीवी मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन वो मुझे मालकिन कहती। मैं से नाक बना करती कि देखिए मुझे ये ना कहा करें, मैं आपसे छोटी हूँ। खान हवेली में बहुत कम आता था। मैं जब से ब्याह कर आई थी मेरा सामना 2-3 बार सिर्फ खान के साथ हुआ था। हमारी सुहाग रात पर भी वो कहीं चला गया। मैं पूरी रात इसका इंतजार करती रही और वो ना लौटा। फिर कुछ हफ्तों बाद वो वापस आया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि चलो खान मेरे करीब नहीं आया। लेकिन मुझे क्या इल्म था कि एक बड़ी कयामत मेरे इंतजार में। मुझे अपनी शहरी दोस्त के तवस्सुल से पता चला कि आर्मी में सीट्स आई हैं और मैं अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये खुशखबरी सुनकर चुप हो गई। पहले हालात कुछ और थे, तरफ में किसी की बीवी बन चुकी थी। अरीशा ने मुझे हर तरह का जवाब पेश किया कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं सारी रात और अगला दिन बस इसी के मुताबिक सोचती रही। मुझे कभी कभी महसूस होता खान की बीवी मुझ पर नजर रखती है। कभी मैं ये खुद को यकीन दिलाती कि नहीं ये मेरा बहन है। मैंने 2-3 बार अरीशा से रब्ता किया और फॉर्म भरने की हामी भर ली। अरीशा ने इस काम में मेरा भरपूर साथ दिया और मैं फॉर्म जमा करवाने में कामयाब हो गई। इसी दिन खान रात गए हवेली लौटा तो मुझे बाहर लॉन में देख कर ठिठक गया। मैंने अपनी तबीयत खराबी का असर पेश किया तो वो सर हिलाने लगा। मैं चलते चलते खान के करीब आई और इसे कहने लगी, मुझे अपने अब्बा की बहुत याद आती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाऊं? खान ने मुझे सर तपैर देखा और हूँ कहकर अंदर चला गया। मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि वहां आसानी से मैं हर टेस्ट दे सकती थी। अगली सुबह नाश्ते के फौरन बाद मैं ड्राइवर के हमरा अब्बा के घर आ गई। अब्बा इस वक्त घर पर ही थे, मुझे देख कर हैरान हो गए। लेकिन जब मैंने बताया कि मुझे आपकी याद आ रही थी तो वो कहने लगे, अच्छा किया जो आ गई, चलो तुम रहो मैं रात को आता हूँ। मैंने एक ताराना नजर पूरे घर पर दौड़ाई, लेकिन अब्बा के कमरे को आज भी ताला लगा हुआ था। ये देखकर मैं शिशितर रह गई। मुझे सब कुछ किसी फिल्म की तरह याद आने लगा। अभी कुछ सानिये ही गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने आदिल था, जो मुझे सहर खानाजों से घूमने लगा। इतने महीनों के बाद इसे देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन इसके हाथ की तरफ देखकर अचानक मुस्कुराहट सिमट गई। इसके हाथ में आज भी कालीन था। मैंने कुछ भी पूछने की जहमत नहीं की, क्योंकि मुझे अपने टेस्ट की तैयारी करनी थी। कुछ देर बाद वो अब्बा के कमरे से नमदार और चला गया। मैंने सुख का सांस लिया और तैयारी करने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे अब्बा के कमरे में कुछ हलचल हो रही है। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा तो मुझे कुछ प्याले दिखाई दिए। पहले तो मैं डर गई, लेकिन फिर सारी हिम्मत मुतजमा करके मैंने आवाज लगाई, कौन है? पर जवाब ना आया। कुछ देर तो मैं वहीं खड़ी रही, फिर वापस आ गई। अभी मैं पढ़ ही रही थी कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अरीशा थी। वो मुझसे आते ही निपट गई और जहाँ घर की गले शिकवे करने लगी कि मैं शादी करके से भूल चुकी हूँ वगैरह वगैरह। अरीशा ने बताया कि परसों मुझे कुछ पर्चे देने के लिए रावलपिंडी जाना होगा, इसलिए कैसे भी करके अब्बा को कोई बहाना लगा दे। मैं
मैं सोच भी पड़ के कैसा क्या कहूँ जिससे अब्बा को शक ना हो और वो खान से भी मेरे मुताल्लिक कुछ बात ना करें। मेरी परेशानी भाप कर मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना मैं करीम चाचा से बात करूं कि परीशे गुल को मेरे साथ पिंडी भेज दें। चाचा मेरी अम्मा बीमार है, वहां अस्पताल में है। हरीशा की अम्मा आजकल लाहौर अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरने गई थी। मैंने सिर्फ सर हिलाया और उठकर बावची खाने में आकर चाय बनाने लगी। हरीशा मुझसे छोटे मोटे सवालात करती रही कि खान कैसा है, इसका रवैया कैसा है वगैरह। मैं से पहले ही बता चुकी थी कि खान कुछ अजीब तबीयत का इंसान है। फिर हम दोनों ने मिलकर चाय पी, कुछ वक्त साथ गुजारा, वो अपने घर चली गई। आज भी अपा रात 12 बजे तक घर न लौटे। मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। थकावट की वजह से मेरा सर भारी हो गया और मैं सोने के लिए चली गई। अभी मेरी आंख ही लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उठकर देखा तो इस बार अब्बा, खान और आदिल एक साथ थे। मैं तीनों को देखकर चौंक गई, लेकिन अब्बा ने मुझे आंखों से तंदिया इशारा किया और मेरे हाथ में गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया कि जाओ जाकर इसे भून दो। मैं वहां से चली गई और खाना बनाने लगी। जब खाना पक गया तो मैं अब्बा को बुलाने के लिए इनके कमरे के पास पहुंची तो मुझे अंदर से कुछ नामोश सी आवाजें सुनाई देने लगी। अब्बा और खान किसी खुदाई की बात कर रहे थे कि अब हमारा काम बस खत्म होने वाला है, जल्द ही हम अपना काम करके कामयाब हो जाएंगे। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। ऐसा कौन सा काम है जिसे अब्बा ऐसे कह रहे हैं? मेरा दिमाग बार बार मुझे किसी गलत काम की तरफ इशारा कर रहा था, जैसे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन मैं सब समझने से कासिर थी कि ऐसा क्या है। फिलहाल मैं आर्मी में भर्ती होना चाहती थी, इसलिए इन सब सोचों को मैंने सहन से झटक दिया और अब्बा को आवाज लगाई कि खाना पक गया है। अब्बा ने मुझे सोने का कह दिया कि जाओ जाकर सो जाओ। फिर मैं सोने चली गई। वैसे ही दिन भर की थकावट से मुझे फिर नींद का हल्का था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो अब्बा कमरे को ताला लगा रहे थे। मैं अब्बा से आज ये पूछने ही लगी थी कि अरीशा आ गई, और आते ही रोना शुरू हो गई कि चचा मेरी अम्मा अस्पताल में है, मुझे लाहौर जाना है, लेकिन मैं अकेली हूँ, क्या मैं परीशे को ले जाऊँ? मेरी अम्मा काफी बीमार है। अब्बा सोच में पड़ गए, लेकिन अरीशा के आंसू देखकर उन्होंने हामी भर ली और हम दोनों पिंडी इम्तिहान देने पहुंच गए। ये इम्तिहान लगातार 3 दिन तक जारी रहा। अरीशा ने अब्बा को फोन करके इतला दे दी थी कि हमने अल्लाह का नाम लेकर इम्तिहान दे दिया और मैं पास हो गई। इब्तदाई टेस्ट तो मैं पास कर चुकी थी, अब मुझे ISBR देना था, लेकिन इसके लिए कम से कम 2 हफ्ते यहाँ रुकना पड़ता। मैं ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि अगर अब्बा या खान को पता चल गया तो मेरे टुकड़े कर देंगे, क्योंकि हमारे खानदान में औरत जात को पढ़ने तो दूर इसके घर की 4 दीवारी से भी बाहर नहीं भेजा जाता। लेकिन ये मामला भी अरीशा ने संभाल लिया। इसने अपने अम्मा को अरमान दे लिया और हम दोनों की मदद करने के लिए राजी हो गए। मैं और अरीशा दोनों ही इम्तिहान देने वाली थी। पहला इम्तिहान हम पास कर चुकी थी। इस तरह हम दोनों ने ये टेस्ट भी दिया जो कि काफी मुश्किल था, लेकिन हम पठान मजबूत आसाम के होते हैं, हिम्मत हारना हमने सीखा नहीं, इसलिए ये मराहिल भी हम तय कर गए। हम दोनों बेतहाशा खुश थे। आज हमारा फाइनल इंटरव्यू था। मैंने इंटरव्यू दिया और मेरी फौज में सिलेक्शन हो गई। मैं आज बहुत खुश थी। अगर अम्मा जिंदा होती तो मुझे देखकर कैसा महसूस करती, ये सोच बार बार मेरे जहन में आ रही थी। अरीशा ने भी इंटरव्यू पास कर लिया था। हम दोनों अभी सवाबी के लिए रवाना होने लगे थे कि जगह जगह पर कुछ पोस्टर चस्पा थे जिसपे पहली नजर अरीशा की पड़ी थी। जब मैंने इनको देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इन पोस्टर पर कोई और नहीं बल्कि मेरा कजन आदिल था। इसकी तस्वीर थी और इसकी मालूमात लिखी थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मेरे दिल में लाखों खदशे जन्म लेने लगे। अब्बा की, आदिल की और खान की सरगर्मियां मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची तो आगे ताला लगा था, लेकिन मैं हवेली वापस नहीं जाना चाहती थी। वहीं बाहर दरवाजे पर बैठ गई। मेरा जहन माउफ हो चुका था। अब्बा के चेहरे की रंगत उड़ी थी
ताला खोल कर बगैर किसी जानते के कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे जहन में एक झमाका हुआ कि जब मैं खाला के घर रहती थी आते भी किसी को कमरे में नहीं घुसने देता था, अब मकाने लेकर जाते तो वो गायब होते। मैं फौरन खाला के घर को दौड़ी। मुसलसल 3 घंटे के सफर के बाद जब मैं खाला के घर पहुंची तो बगैर इनसे मिले सीधा आदिल के कमरे का दरवाजा पीटने लगी। न जाने मुझ में इतना जोश कहां से आया था। मैंने दरवाजा पीट पीट कर खोल लिया। अभी मैं 3 कदम ही आगे बढ़ी थी कि मुझे लगा मैं किसी खाई में गिर चुकी हूँ। कमरे में एक बहुत बड़ी सुरंग खोदी गई थी जिसका आखिरी सिरा पता नहीं किधर खत्म होता था। मैंने एक हाथ रखकर खुद को बनाने की भरपूर कोशिश की। चंद मिनट बाद इसमें कामयाब हो गई। मेरे दिमाग में अब सारी कड़ियां मिल रही थी। हप्पा के कमरे में भी सुरंग थी, खान की हवेली में भी और आदिल के कमरे में थी। ये तीनों मिलकर कुछ कर रहे थे। खाला मुझे देख कर हिरासत हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे खाला को इस चीज कर रही थी। मैंने फौरन पुलिस को कॉल की और सारी मालूम दी। पुलिस अहलकारों ने खाला का सारा घर, खान की हवेली और हमारे घर को घेरे में ले लिया। कुछ पुलिस अहलकार ने सुरंग में कूदना शुरू किया। अंदर कालीन घुसा थे जिसमें मुख्तलिफ हथियार और सुरंग खोदने का सामान मौजूद था। हवेली, आदिल का कमरा और अब्बा का कमरा, इन तीनों का आपस में डब बन रहा था और आगे एक ही सुरंग थी जो कि भारत तक खोदी जा रही थी। मैं ये देखकर सर पकड़ कर बैठ गई। अब्बा भी गायब हो चुके थे। इतना तुरंत हो चुका था कि ये तीनों दहशतगर्दी में मुलव्वस थे और मुल्क का नुकसान करवाना चाहते थे। काफी अरसे तक इस मामले में तफ्तीश होती रही लेकिन अब्बा, खान या आदिल का कुछ पता नहीं चला। खाला भी गायब हो चुकी थी। मैं भी ट्रेनिंग के लिए काबुल आ गई थी। जब 1 साल बाद मैं कैप्टन बनकर वापस निकली तो मेरे सामने वही एक केस आया जिसमें ये तीनों लोग इश्तिहारी हो चुके थे। हमारी टीम ने इनको बहुत छानने की कोशिश की लेकिन कहीं भी इनका सर सुराख नहीं मिला। वो सुरंग न जाने कितने सालों से खोदी जा रही थी जो भारत के करीब पहुंच चुकी थी। मुझे ये सब एक ख्वाब लगता था। मेरा बाप और शोहर इतना घटिया खेल खेल सकते थे, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। इस सुरंग के जरिए वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अरिशा ने इस मामले में भरपूर मेरा साथ दिया लेकिन अब हम दोनों मुख्तलिफ जगहों पर अपने फराइज सर अंजाम दे रही थी। आज बतौर इस कौम की बेटी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ लेकिन अगर क्या मेरा बाप और शोहर मुझे मिल जाए तो मुझे इनको माफ करना चाहिए। इनको इसकी सजा तो मिलेगी लेकिन क्या एक बीवी और बेटी होने के नाते मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ कि क्या मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए या फिर खून के रिश्ते की लाज रखनी चाहिए। आखिर मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया। अगर मैं फौज में ना आती तो क्या मैं फतार की बेटी कहला जाती। कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा।